हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, रेनॉन्ड सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदिक कोच हैं। उन्होंने अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारे पेशेंट्स की गट हेल्थ को इम्प्रूव किया है। उनके ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनको खूब सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू इन्वाइट डिंपल जांगड़ा। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। सो डिंपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो आयुर्वेदा में ऐसे कौन से नेचुरल स्किन केयर रूटीन्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूवर्स को, जिनसे वो एक नेचुरल ग्लो या अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? ओके, स्किन और हेयर दोनों को लेके आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। यू नो, 1 out of 3 पेशेंट्स आर कमिंग टू मी एंड सेइंग बाल बहुत गिर रहे हैं, 40 साल की उम्र में पिंपल्स एक्ने अभी भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, 50 साल की उम्र में भी आ रही है, क्यों आ रहे हैं? आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, आपका बॉडी उस टॉक्सिन्स को स्किन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, बट टॉक्सिन्स बहुत बड़ा है इसलिए स्किन के नीचे डिपॉजिट हो गया है। यू नो, एंड चाइनीज फेस मैपिंग करके एक चीज़ होती है, यू नो, व्हिच लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन, यू नो, मॉडर्न डॉक्टर्स, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ इट। स्किन को अगर आप हेल्थी रखना चाहते हैं तो स्किन के ऊपर आप वही चीज़ लगाएं जो आप खा सकते हैं। सो आजकल वीगन प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, ओके, वीगन प्रोडक्ट्स जिसमें मांस मच्छी का यूज़ नहीं होता है, क्लीन प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं जिसमें केमिकल्स नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है। यू नो, सो प्रोडक्ट्स में शायद एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो क्लीन है। घर पे अगर आप चीज़ें बना सकते हैं, फेस वॉश, बॉडी वॉश, फेस क्रीम, तो और भी अच्छी चीज़ है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे बेसन हुआ, इट्स अ ग्रेट क्लेंजिंग एजेंट, बेसन है, ओट पाउडर है, चावल का पाउडर है, ग्रीन मूंग का पाउडर है, इसमें आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, ऑरेंज पाउडर डाल सकते हैं ऑरेंज के छिलके को सुखा के, रोज़ पाउडर डाल सकते हैं रोज़ पेटल्स को सुखा के, फिर इसके अलावा आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं फ्रेश या यू नो बॉटल्ड ऑल्सो, रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल है, एसेंशियल ऑयल्स बहुत सारे हैं, कोकोनट ऑयल से फेस मसाज करें, यू नो इट्स अ ग्रेट क्लेंजिंग प्रोडक्ट, ऑल्सो मेकअप निकालने में भी बहुत मदद करता है, आलमंड ऑयल से फेस मसाज करें, उससे विटामिन ई बढ़ता है। आप विटामिन ई के जेल कैप्सूल्स लेकर आते घर पर, लेकिन आपका तो बादाम का तेल ही मिल जाता है। कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें जब आपको हेयर लॉस महसूस हो, मेथी का इस्तेमाल करें स्कैल्प पे ताकि यू नो स्कैल्प पे इन्फेक्शन ना हो, दही और नींबू का इस्तेमाल करें अगर डैंड्रफ है। इतनी सारी चीज़ें आपके किचन में ही है, तो 80-20 रूल आप इस्तेमाल करें। जब भी आप घर पे हो, यूज़ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द किचन, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यूज सम सेफ प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए सेफ हैं। दिस इज़ द रूल आई फॉलो। मेरे किचन में, मेरे रेफ्रिजरेटर में एनी टाइम 5-6 बॉटल्स आपको मिलेगा। ये मेरा शैम्पू है होममेड, ये मेरा होममेड कंडीशनर है, होममेड बॉडी वॉश है, होममेड फेस वॉश है, और फिर यू नो अंडर आई जेल है होममेड, सारा होममेड फ्रिज में पड़ा रहता है। ऑल यू हैव टू गो इज जस्ट टेक इट एंड अप्लाई इट, हफ्ते में एक बार बना लीजिए, वेरी सिंपल सोल्यूशन। अब आपने इतना मुझे यू नो इंटरेस्ट पैदा कर दिया है तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि घर पे एक शैम्पू और एक कुछ और लाइक से मे बी मॉइस्चराइजर कैसे बना सकते हैं? शैम्पू बहुत इजी है, ये तो मैं रोज बना रोज बनाने की कोशिश करती हूँ। 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स आप भिगो के रखें, 2 चम्मच मेथी सीड्स आप भिगो के रखें, एंड 2 चम्मच चावल आप भिगो के रखिए। तीनों को उबालना है, पहले फ्लैक्स सीड को उबालिए, 2 मिनट बाद आप चावल डालिए, फिर 2 मिनट बाद आप मेथी डालिए, अच्छे से उबालिए, वो एक जेल की तरह बन जाता है। इसको आप चीज क्लॉथ से फिल्टर करें, इस जेल को आप सेव करके रहें, ये आपका कंडीशनर हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट बन गया। तो आप हेयर मास्क लगा दीजिए पहले, फिर आपका शैम्पू जो है 2 तरीके का बनता है, एक है राइस वाटर, 5 टीस्पून चावल ले लीजिए और थोड़ा पानी ले लीजिए, अच्छे से उबालिए जब तक चावल अच्छे से गल नहीं जाता है। एंड कई लोग सिर्फ चावल का पानी निकालते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको ब्लेंड करके चावल को उसी में रख के उसको एक थिक पेस्ट जैसा बना दूँ, ये आपका शैम्पू बन गया। इसको आप स्कैल्प पे लगा दीजिए 3 से 4 मिनट, जब वो सूख जाए तो आप बाल धो लीजिए, आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, आपने हेयर मास्क लगा लिया, आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है घर पे। फिर तीसरी चीज़ है बटर मिल्क यानी छाछ। इंडिया में छाछ का बहुत इस्तेमाल होता था, हमारे पूर्वजों जो है ना छाछ से बाल धोते थे, अगर चावल का पानी बच गया, छाछ का पानी बच गया, उससे वो बाल धोते थे, तो बाल कभी उनके जल्दी से सफ़ेद नहीं होते थे क्योंकि वो केमिकल्स नहीं डाल रहे। जब हम शैम्पूज और कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो केमिकल रेजिड्यू है वो स्कैल्प पे बिल्डअप होता रहता है, डैंड्रफ होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, सोराइसिस, एक्जिमा, रोजेशिया जैसी प्रॉब्लम भी आजकल स्किन पे स्कैल्प पे होने लगा है। फिर एक दिन केमिकल बिल्डअप इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो हेयर है
टेलोजन फेस में चला जाता है. टेलोजन इज अ रेस्टिंग फेस जहाँ पे आपके हेयर रूट्स एकदम रेस्ट करने लगते हैं और आप टच भी करेंगे आपके स्कैल्प को तो बाल गिरने लगेंगे. एंड दैट हैज हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कोविड. यू नो ऐसे बाल गिर रहे थे, यू नो हाफ द हेयर दे लॉस्ट. सो आप अगर केमिकल्स यूज करना बंद कर देंगे वहीं पे आपका 80% हेयर लॉस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बाकी जो है आप इंटरनल डाइट और न्यूट्रिशन से भी एड्रेस करें. कैरेट, बीटरूट, स्पिनच सूप पिया करें तो आयन इम्प्रूव होगा. आयन इम्प्रूव होगा तो हेयर को भी आयन यू नो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज स्किन एंड हेयर द लास्ट टू रिसीव न्यूट्रिशन. आपका बॉडी भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉडी है, इट्स फॉर सर्वाइवल. तो हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन के लिए वो पहले न्यूट्रिशन सेव करता है, स्किन और हेयर के लिए वो सबसे लास्ट न्यूट्रिशन सेव करता है. तो आप अपने न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान दें ताकि स्किन और हेयर तो अच्छा होगा ही, उसके पहले आपका गट हेल्थ, लिवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ अच्छा हो जाएगा. Remember, it is all interconnected. Thank you so very much, Dimple. Thank you for having me. ऐसे और interesting videos देखने के लिए आप हमारे channel Only My Health को like और subscribe करें. और अब आप WhatsApp पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. Screen पर दिखाए जा रहे barcode को scan करें और पाएं health और fitness से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. Thank you.